नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और हमारे YouTube चैनल एच के रेलवे इन्फोटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन से चितहरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन तक की रेल यात्रा। दोस्तों, जिसके लिए हम खजुराहो रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, आइए स्टेशन के अंदर चलते हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, खजुराहो का रेलवे स्टेशन है के जस्ट आगे गार्डन है और गार्डन के लेफ्ट और राइट तरफ से दो आने जाने की रास्ता है। तो फाइनली हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और हमने अपनी टिकट ले ली है और प्लेटफार्म क्रमांक एक पर पहुंच चुके हैं। आज की यात्रा हम गाड़ी संख्या 01822 महुआ विशेष रेलगाड़ी से करने वाले हैं, जो ललितपुर खजुराहो और महुआ तक चलती है। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन महुआ के लिए डिपार्चर हो चुकी है। दोस्तों, आपको जानकारी के बता दें कि यहाँ से महुआ रेलवे स्टेशन कुल 63 किलोमीटर दूर है, पर आज हम जो यात्रा कर रहे हैं ट्रैक कुल दूरी 52 किलोमीटर है। दोस्तों, हमारी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन को पास करती हुई धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा रही है और महुआ की तरफ गतिमान है। दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यह खजुराहो का रेलवे स्टेशन और यहाँ पर लोकोमोटिव खड़ा है। स्टेशन था और खजुराहो महुआ रेलवे ट्रैक है और सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं जो ट्रैक है वह खजुराहो छतरपुर रेलवे ट्रैक है। राजनगर रेलवे स्टेशन आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ट्रेन रुक गई है, यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है। आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं कि यह राजनगर रेलवे स्टेशन है, जो महुआ से कुल 49 किलोमीटर और खजुराहो से 14 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन फिर से चल चुकी है और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ेगी। दोस्तों, फाइनली अब हम स्टेशन के सामने आ चुके हैं और हम ट्रेन के लास्ट कोच में यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रेन राजनगर रेलवे स्टेशन पार कर चुकी है। दोस्तों, अब धीरे धीरे ट्रेन अपनी सीट बना रही है और लाइन में आगे 45 किलोमीटर यहाँ पर टाइम और ब्रिज ट्रेन अपनी मिनिमम स्पीड पर पहुँच चुकी है। आप इस वीडियो में
बाहर के खेत का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों अब सिंह को डुमरा का रेलवे फाटक आ चुका है। दोस्तों आप आगे जो देख सकते हैं कि फाटक बंद है और रोड पर लोग खड़े हैं। दोस्तों अब कुछ ही समय बाद सिंहपुर डुमरा रेलवे स्टेशन आ चुका है। सामने रोड आउटर है। ट्रेन सिंहपुर डुमरा रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन खजुराहो से 33 किलोमीटर दूर है और महुआ से बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सिंहपुर डुमरा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों यहां पर ट्रेन रुक चुकी है और एक मिनट का स्टॉप है, इसके बाद ट्रेन चलेगी। दोस्तों अब हमारी ट्रेन फिर से चल चुकी है और इसके बाद आने वाला रेलवे स्टेशन लगौली रेलवे स्टेशन है जो यहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों यह सिंहपुर डुमरा रेलवे स्टेशन है और यहां पर क्रॉसिंग एवं अन्य सभी सुविधाएँ हैं तथा स्टेशन मास्टर की उपस्थिति भी यहाँ रहती है। दोस्तों अब यह ट्रेन धीरे धीरे सिंहपुर डुमरा रेलवे स्टेशन को पार कर चुकी है और अब कुछ ही समय बाद लगौली रेलवे स्टेशन आने वाला है। दोस्तों आप सामने की तरफ रोड देख पा रहे हैं जो सिंहपुर की तरफ जाता है और इसी रास्ते से हम चरणपाद का शहीद स्मारक तक पहुंचते हैं। दोस्तों अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। Thank you.
खजुराहो से 40 किलोमीटर दूर है और बात ही मात्र 23 किलोमीटर दूर है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे का कुछ मेंटेनेंस स्टाफ था जो यहाँ पर काम कर रहा था और आप वाए और रेलवे स्टेशन तक जाएंगे तो वो भी इसी कोच पर बैठ गए हैं और ट्रेन फिर से स्टेशन से रवाना हो गई है। तो सही टाइम पे पहुंच गए आज अपन। दोस्तों यह रघोली रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर न ही कोई क्रॉसिंग है न ही अन्य ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉप है। दोस्तों अब कुछ ही समय बाद चितेरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन आने वाले हैं जहाँ पर हम अपनी यात्रा पूरी करने वाले हैं। दोस्तों ट्रेन ने अब रघोली रेलवे स्टेशन को पार कर दिया है और बस 12 किलोमीटर आगे चितेरी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ट्रेन लगभग 65 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। ब्रिज भी है। दोस्तों 45 किलोमीटर पर आवर का क्वेश्चन प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर ट्रेन अपनी एक नियत स्पीड से ही चलती है।
दोस्तों यह आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि नदी है, और बस 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चितही रेलवे स्टेशन है जहां पर हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है। दोस्तों अंधेरा भी हो चुका है और लगभग 6:10 हो चुके हैं। दोस्तों अब चितहरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन आ चुका है और यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों यहीं पर हम अपनी यात्रा को समाप्त करने वाले हैं और यह रेलवे स्टेशन खजुराहो से 52 किलोमीटर की दूरी पर और महोबा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हमारा स्टेशन अब आ चुका है और बस हमारी यात्रा पूरी हुई। धन्यवाद। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल HKS रेलवे इंफोटेक को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ।